अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ चिकन स्टेक। इसकी फरमाइश बहुत टाइम से आई हुई थी, बस वो कुछ ना कुछ हो रहा था, वो नहीं हो पाया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जिन्होंने फरमाइश की थी, थोड़ा सा डिले हो गया है। बट आप लोगों को ये समझना होगा कि इंशाल्लाह वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो टुगेदर, राइट। तो आप लोग जो हैं वो फरमाइशें करते रहिए, डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते सारी फरमाइशें पूरी होंगी, देर हो सवेर हो जो भी हो, पर पूरी ज़रूर होंगी। तो जिन्होंने मुझसे कहा था चिकन स्टेक बनाने के लिए, आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी फरमाइश को पूरा कर दूँ। आज हम बनाएंगे चिकन स्टेक, पेपर चिकन स्टेक बेसिकली, ठीक है। पेपर सॉस बनेगी इसकी। स्टेक्स को हम पहले मैरिनेट करेंगे, फिर उसको हम थोड़ा सा बटर में फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी पेपर सॉस बनाएंगे और फिर इसको पेपर सॉस के साथ सर्व करेंगे। स्टेक को सर्व करने के दो तीन तरीके होते हैं, आप सबको पता है। एक जो जो बेसिक तरीका होता है कि वो आप इसको सिज़लर में सर्व करते हैं, सिज़लर में गर्म करके। दूसरा, आप इसको किसी भी इंडिविजुअल प्लेटर में सर्व कर सकते हैं एज अ सिंगल सर्विंग। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जाहिर सी बात है जब हम किसी बड़ी दावत के लिए बना रहे होते हैं तो फिर हम बड़े अपने डिशेस में स्टेक के पीसेस को रखकर ऊपर से इसकी सॉस को ड्रिजल कर देते हैं। साइड लाइंस, बात अगर साइड लाइंस की आती है तो स्टेक के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को सर्व कर सकते हैं। मैश पोटैटो हो गया, बेक पोटैटो हो गया, फ्राइज हो गए, सॉटे वेजिटेबल्स हो गए, गार्लिक ब्रेड हो गई, गार्लिक टोस्ट हो गया, जो आपका दिल चाहे। मैं यहाँ पे मिक्स वेजीज़ को मैंने सॉटे किया है। किस तरह किया है कि मेरे पास आलू हैं, गाजर हैं और मटर है। इसी तरह आप मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को मैंने क्या किया था, एक कप ये वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रोज़न वेजीज़ हैं, ठीक है। आप घर में भी बना सकते हैं ब्लांच करके, ये फ्रोज़न है, रेडी होते हैं। तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स मैंने एक कप लिया। एक आउंस बटर यानी कि एक टेबलस्पून बटर में मैंने वेजीज़ को डाल के पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड पिंच ऑफ ओरिगैनो लीव्स, इन तीनों चीज़ों के साथ इसको हल्का सा स्टर फ्राई करके और हमने ये अपने वेजीज़ को तैयार कर लिया। साथ ही मैं इसमें ऐड इसको सर्व करूँगी फ्राइज़ के साथ, स्टेक के साथ फ्राइज़। मैंने सोचा कि फ्राइज़ और वेजिटेबल्स को सर्व कर देते। चलें अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। चिकन स्टेक्स बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चिकन ब्रेस्ट का फिले, ठीक है। इसको मैंने बीच में से आधा करके और फिर हाफ कर लिया है। जिस तरह चिकन का एक बड़ा फिले आता है उसको आप बीच में से पहले हाफ करोगे और फिर सेंटर में से हाफ करोगे, और जब ये इतना पतला सा बन जाएगा तो इसको फ्लैटन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं ले रही हूँ 3 चिकन के ब्रेस्ट के फिले, ठीक है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 टेबलस्पून ऊस्टर सॉस, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। सॉल्ट में 1/2 इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज इसमें सोया सॉस और वूस्टर सॉस गई है, तो इन दोनों सॉसेस में नमक होता है। सोया सॉस ये रेगुलर है, डार्क नहीं है। बिकॉज पेपर स्टेक बन रहा है तो कोर्सली क्रश्ड ब्लैक पेपर इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ये 1/2 टीस्पून है। और यहाँ पर मेरे पास रोजमेरी के पत्ते हैं, रोजमेरी इज़ अ हर्ब, ये मैं 1/2 इसमें डालूंगी, 1/2 मैंने यहाँ पर बचा लिया है अपनी सीजनिंग्स के सॉस के लिए। ये जो सारी चीज़ें हैं बटर क्रीम, इस सब से मैं सॉस बनाऊंगी। इसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट मैं इसको करके रखूंगी 15 टू 20 मिनट्स के लिए। फिर हम इसको अपने ग्रिल पैन में या किसी भी फ्राई पैन में अच्छे से ग्रिल करेंगे। आप ऑयल में भी कर सकते हो, ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हो। ये स्टेक फिलेज मैरिनेट हो गए, 15 मिनट के मैं इसको छोड़ूंगी। जब तक हम इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे, चले हम अपनी पेपर सॉस बनाते हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे अपनी पेपर सॉस। पेपर सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून या 1 आउंस बटर। अब इसमें मैं ऐड करूँगी रोजमेरी के लीव्स, 1/4 टीस्पून हमने चिकन की मैरिनेशन में डाले थे, 1/4 मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 3/4 टीस्पून ऑफ क्रश्ड ब्लैक पेपर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है HP सॉस, ये HP सॉस है, ठीक है। ये इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून।
मैरिनेशन में वूस्टर और सोया गई थी, इसमें एच पी जा रही है। हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। सॉल्ट इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, बिकॉज सॉस गई है एच पी सॉस। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ फ्लावर, मैदा। ठीक है, फ्लावर डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको चूल्हे से उतार कर और फिर इसमें हाफ कप दूध डालूंगी और हाफ कप पानी। इसको मैं रखूंगी यहाँ पर। अच्छा, चूल्हे से उतार कर डालने से होता ये है कि इसमें लम्प्स नहीं आते। ये जा रहा है इसमें हाफ कप मिल्क। ठीक है, मिल्क चला गया। अब इसमें मैं डालूंगी हाफ कप वाटर। अब आप ये देख रहे हो ना, ये जो फ्लावर लंपी सा है, चूल्हे से उतार के डालने का यही मकसद होता है कि ये दूध और पानी डालते डालते आप इसको हाफ कप, इसमें मैंने पानी डाल दिया। जब सारे लम्प्स इसके निकल जाएंगे फिर मैं इसको वापस रखूंगी चूल्हे पर। ठीक है, ये तकरीबन इसके लम्प्स निकल गए हैं। अब इसको मैंने रख दिया वापस चूल्हे पर। एक आखिरी जो इसमें इंग्रेडिएंट रह गया है वो है क्रीम। क्रीम मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून, अभी नहीं, जब ये थिक हो जाएगी सॉस उसके बाद। अब जब तक इस सॉस को हम थिक करेंगे और ये कुक होगी, मैं यहाँ पर अपना ग्रिल पैन रख कर और अपने स्टेक्स को ग्रिल करूँगी। अच्छा, इसमें अब मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। सॉस को हमने बटर में बनाया है, ये आप देखो सॉस थिक हो रही है आहिस्ते आहिस्ते। और इसको स्टेक्स को मैं ग्रिल करूँगी ऑयल में। ठीक है, ग्रिल पैन आप ले लो, ग्रिल पैन नहीं है कोई इतना मसला नहीं है, आप फ्राई पैन भी ले सकते हो। 15 मिनट्स हो गए थे इसकी मैरिनेशन को। मैरिनेशन को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें फ्लेवर आएगा। ये आप देख रहे हो आहिस्ते आहिस्ते सॉस थिक हो रही है। हाफ कप वाटर, हाफ कप मिल्क डाला था। ठीक है, आप स्टॉक भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली रनी भी ना हो और थिक भी ना हो, बिल्कुल लंपी भी ना हो। और बाय एनी चांस अगर आपको लगता है कि पतली हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर लो, और अगर लग रहा है कि थिक है तो आप हल्का सा स्टॉक या दूध ऐड कर सकते हो। ये कंप्लीट हो गई है, मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। इसको अब मैं चूल्हे से उतार रही हूँ, चूल्हा बंद करके और चूल्हे से उतार। दिस इज़ डन। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्टेक्स ग्रिल हो रहे हैं। 5 मिनट्स ऑन ईच साइड इसका ग्रिलिंग टाइम है। ठीक है, 5 मिनट्स ऑन ईच साइड। ये 5 मिनट्स हो गया एक साइड पे, मैं इसको अब करूंगी टर्न। 5 मिनट्स ऑन ईच साइड। और सॉस का जो लास्ट मेरा इंग्रेडिएंट एक रह गया था वो था क्रीम, तो वो मैं उसमें ऐड करूंगी। अगर आप इसको डाइट पर्पस के लिए बनाना चाहते हो तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना। ठीक है, रादर देन एनी कुकिंग ऑयल। और वेजिटेबल्स को भी जब आप सोटे करेंगे उसको भी आप ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून टेट्रा पैक की क्रीम, ये मैं ऐड कर रही हूँ अपनी सॉस में। ये देखें, पेपर सॉस बनके रेडी हो चुकी है। 5 मिनट्स के बाद जब यहाँ पर मेरे ये चिकन स्टेक्स रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपके सामने इसको सिज़लर में सर्व करूँगी। जब तक मैं अपना सिज़लर रख रही हूँ, बहुत बार आपको मैं बता चुकी हूँ, सिज़लिंग ब्राउनी में भी बताया है जो हमने रेसिपी देखी बनाई है, और वाइट चिकन मंचूरियन भी बनाया था, सब में सिज़लर को गर्म कैसे करते। मैं सिज़लर को गर्म करूँगी और फिर उसमें हम अपने चिकन स्टेक्स को सर्व करेंगे। अच्छा, ये देखें, चिकन यहाँ पर मेरी रेडी हो गई है।
ठीक है, तीनों फिले, ये सिंगल सर्विंग का स्टेक बन रहा है, ठीक है बाबा, उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये इसका मैंने चूल्हा करूँगी बंद। यहाँ पर आप देखो सिज़लर मैंने गरम करने रखा है, जैसे कि मैंने आपको और भी अपने वीडियोस में बताया है। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी कैरमलाइज्ड अनियन। आप लोग कहोगे कैरमलाइज्ड अनियन क्या है? कैरमलाइज्ड अनियन एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे स्टेक के ऊपर सर्व होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, एक प्याज को आपने स्लाइसेस में काटा मोटे मोटे, और आपने फ्राई पैन में प्याज रखी, फ्राई पैन में आपने 1 ounce बटर डाला। बटर डालने के बाद आपने उसमें 2 tablespoons चीनी डाली, नॉर्मल दानेदार चीनी। चीनी डालने के बाद आपने उसके ऊपर प्याज रख दिया। प्याज को आपने हल्का सा इस तरह से फ्राई करना है, और 1 tablespoon ऊपर से आपने वूस्टर सॉस डालनी है, उससे ये इस तरह से प्याज कैरमलाइज हो जाएगी। यहाँ पर ये हमने स्टेक के फिले रख दिए। अब मैं इसमें ऊपर से सॉस डालूँगी। चूल्हा बंद कर दिया है, ठीक है। हाफ साइड पर इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज हाफ साइड पर मैं इसका डेकोरेशन करूँगी, आपको बताया था, वेजीज और फ्राइज के साथ। सॉस आपको जितनी डालनी है आप उतनी डाल सकते हो। अब ये सिज़लर जाएगा आराम से बिल्कुल टेबल के ऊपर, बिकॉज गर्म है ये। टेबल पर ले जाने के बाद मैं इसको अपने उसमें रखूँगी, वुडन प्लेटर में, और फिर आपके सामने इसको मैं सर्व करूँगी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं सर्व करूँगी फ्राइज। एक साइड पर हम रखेंगे फ्राइज और एक साइड पर यहाँ सॉटे वेजिटेबल्स। आप गार्लिक ब्रेड भी रख सकते हैं, मैंने आपको गार्लिक ब्रेड, गार्लिक टोस्ट, हर चीज़ बनाना बताई है। साइडलाइंस आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, आपको जिस तरह की जो साइडलाइन पसंद है आप उसको उस तरह से सर्व कर सकते हो। सॉस मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी है कि थोड़ी सी सॉस मैं डालूँगी इसमें। प्याज का स्टेप आप ज़रूर करना, ऑप्शनल भी होता है, यूजुअली कभी कभी नहीं होता, बट अगर आपका दिल चाहे यू नो एक वो स्वीट और टैंगी सा इफेक्ट देने का तो वो आप कर सकते हो। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा पार्सली स्प्रिंकल करूँगी और ये हमारा पेपर चिकन स्टेक इज़ रेडी। ये देखें, चिकन पेपर स्टेक इज़ रेडी, कितना खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में भी ये उतना ही मज़े का बनता है। प्लीज़ रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और जिनकी फरमाइश थी आई होप वो ये ज़रूर ट्राई करेंगी। फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों ने अगर बनाया तो कैसा बना। नेक्स्ट रेसिपी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।